तुम्हाला काही रिव्ह्यू द्यायचा आहे का फर्स्ट पोस्टिंगचा? आणि रिव्ह्यू पोस्टिंग पेक्षा जास्त फकायला गेलाय आणि टाइमपास केलाय. बस पर्ल्स घे ना, पर्ल्स घे ना. हे क्या होत आहे? दो दिन आयु चमक गई है. Today is the last day of our first posting. That is respiratory medicine. We gonna see the TB patients. So let's log it. डबल मास्क, डबल मास्क, डबल डबल प्रोटेक्शन इन टीबी वार्ड. यस. पेशंट नेम रामचंद्र, एज 21, मेल, एड्रेस मलकापुर, ऑक्यूपेशन स्टूडेंट, एडमिशन 5-6 डेज बैक. ओके. एंड चीफ कंप्लेंट्स, व्हाट आर चीफ कंप्लेंट्स? काय त्रास म्हणे तुम्ही ऍडमिट झाले काय त्रास म्हणे? आता आता काय करा, छातीत दर्द होता, कफ होता, वाढलेले कफ झाला It is a special weapon to initiate the only helps in jerk. Only jerk, any jerk? No, not any jerk. Only a leg where knee is not all there. Jerks bro. Ankle jerk. अब मेरे को सुपिनेटर जर्क क्या क्या होता है? हैमर ऑफ थॉर, नॉट दिस हैमर. तेरा साथ में पूरी बहस तेरे साथ में बोल के तू शुरू कर, हम आते तेरे पीछे बाहर को. जल्दी, अरे आ जाओ.
जूसी कम दिस आर कमिंग गाइस लेट कमर लेट कमर दिस आर फेल्ड सो दे कम लेट देयर ही इज वेयर 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 मुस्कान का आशिक मुस्कान का आशिक इज द टॉपर प्लस मुस्कान का आशिक इज द टॉपर प्लस मुस्कान का आशिक I have to ask one question to everyone. What do you learn from this posting? This is our first posting. So everyone has our own experience. So just tell. It's Mann Ki Baat. कुछ भी बोल सकते हो हिंदी बोलूंगा अरे काही बोल कशात ही बोल काफी कुछ सीखने को मिला हिस्ट्री टेकिंग से सिस्टमिक एग्जामिनेशन तक सब कुछ सीखने को मिला ठीक है वैसे भी हिस्ट्री टेकिंग इंपॉर्टेंट चीज है आगे भी एज अ डॉक्टर को हिस्ट्री लेते आना चाहिए और पहली बार था अपना हिस्ट्री टेकिंग मतलब पहली बार था काफी कुछ सीखने मिला काफी गलतियां भी हुई वो सर ने सुधारी आज एग्जाम हुई अपनी काफी सारे अरे भाई भाई काफी सारे डिस्कशन हुए बोलने दे उसे और ये भी सीखने मिला कि प्रतीक जोशी जैसे लड़के भी मौन कर सकते हैं वेरी गुड पोस्टिंग पेक्षा जास्त फकायला गेलाय ना टाइमपास केलाय बस उमर के बारे में बोलाय ना काहीतरी बोला यार ब्लॉग बनायला पाहिजे आपला दो दिन आयु चमक गई है सगळ्यात जास्त क्लास केलेली आहे ठीक आहे आणि सबसे ज्यादा क्लास की सबसे ज्यादा क्लास की यार डर क्यों रहे हो यार अपना ही ब्लॉग है हां बोल दो क्या सबसे पहले पल्स उसकी पल्स गिना क्या मतलब उसको पल्स गिना पल्स गिना ये क्या होता है हाँ हाँ यस 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 इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विदाउट पोस्टिंग करके हिस्ट्री टेकिंग में क्या क्या होता है एक बार बता दे मेडिकल सबसे पहले पेशेंट का नाम एज जेंडर ऑक्यूपेशन एड्रेस ये सब पूछते हैं बाद में ये पूछते हैं कब एडमिट किया फिर बाद में उनको पूछते जब एडमिट किया तब किस कारण एडमिट किया ओवर लुक दे बस चीप कंप्लेंट्स देन जो चीप हिस्ट्री ऑफ पेशेंट उसके बारे में हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस हां हां नेगेटिव हिस्ट्री पास्ट हिस्ट्री फैमिली हिस्ट्री एंड पर्सनल हिस्ट्री हां ये हो गया हिस्ट्री टेकिंग उसके बाद जनरल एग्जामिनेशन में वो छह चीजें रहती है पहला रिक्टरस लिम्फेडेनोपैथी साइनोसिस क्लबिंग एंड एडिमा यस यस और उसके साथ पल्स रेट रेस्पिरेटरी रेट ब्लड प्रेशर वगैरह ये सब देखे हां जनरल एग्जामिनेशन हां और फिर उसके बाद सिस्टमिक एग्जामिनेशन उसमें चार चीजें होती है इंस्पेक्शन को कंफर्म करने के लिए सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस गाइस ए बस 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 सर आएंगे ए पीटेंगे पीछे से अरे कुछ बोलना है तेरे को मोटे पला नाले एक्सपीरियंस शेयर करना है अरे सबने किया कुछ तो बता मोटे पला नाले सांगा व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस पोस्टिंग इट्स अवर फर्स्ट पोस्टिंग सो इतना सोबत हिस्ट्री घ्यायला शिकलो आणि हिस्ट्री घेणं ऍक्च्युअली खूप व्यवस्थित शिकलो कारण पेशंटशी त्या भाषेत बोलणं आणि त्यांच्याकडनं माहिती व्यवस्थित काढून घेणं त्यातली कुठली माहिती व्यवस्थित आहे नाही आहे ते सगळं शिकवलं इट वॉज रिअली गुड यस नाईस ठीक आहे बेस्ट सो चलते अभी बाय नेक्स्ट पोस्टिंग को मिलते बनाएंगे तुम्हाला काही रिव्ह्यू द्यायचा आहे का फर्स्ट पोस्टिंगचा एनी रिव्ह्यू मीन्स व्हॉट व्हॉट एव्हर यू लर्न फ्रॉम दिस पोस्टिंग नाही क्या होत आहे हा एक्सपेक्ट नाही था अनएक्सपेक्ट उमर की वजह से हुई हो कारण की आता तू एकटा इथं बोल काय बोलायचं तुला बोलून टाक तू एनी प्रपोजल सारखं सारखं फेमस सर आवडत नाही रे मला अरे बा काहीतरी तर बोल थँक्यू थँक्यू हा तू मजा आली बघ पोस्टिंग आपण काय म्हणा काय म्हणावं शिकायला मिळतं रे दिवस गेलो माहिती का लेक्चर वगैरे सर्वांपेक्षा प्रॅक्टिकल पेक्षा पोस्टिंग मध्ये शिकायला मिळतं भले अटेंडन्स एवढी कंपल्सरी नसो अटेंडन्स जरी महत्वाची नसली तरी गेलं पाहिजे पोस्टिंगला असं असं माझं मत आहे कोणी काही म्हणो संख्येत मात्र 6 दिवसच गेले संख्येत मात्र 6 दिवसच गेले